जी जाना चाहूँगा आपके एक्टिंग करियर को लेकर, कब इंस्पायर्ड हुई है, क्या ऐसा इंस्पिरेशन था, कोई ऐसा आइडियल था आपको बचपन में कि इसकी तरह आप बनना चाहती थी? और जो सपोर्टिव सिस्टम होता है फैमिली में, रिलेशन में, कौन लोग आपको सपोर्ट किए इसके लिए? एक्चुअली मैं बचपन से ही ड्रामेबाज हूँ. आई मीन मुझे तरह तरह के कैरेक्टर्स पसंद है. कभी मैं चुलबुली बन जाती हूँ, तो कभी मैं काफ़ी गंभीर हो जाती हूँ. और शुरू से ही मतलब प्रेरणादायक लोग मिलते रहे, मेरे फादर, मेरे मामा जी जो कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं वर्ल्ड लेवल, एंड अनदर थिंग वो बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं. और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हमेशा से श्रीदेवी जी रही हैं. उनका जो सदमा वाला कैरेक्टर था, बाय गॉड्स ग्रेस वही कैरेक्टर अभी मेरी फिल्म आने वाली है फुलैना नाइट्स, जिसमें मैंने अमित शाह जी के निर्देशन में काम किया है. उसमें मेरा वही ऑटिस्टिक चाइल्ड है, 16 साल की पागल बच्ची का किरदार निभा रही हूँ. तो ऐसे करते करते सोचा नहीं था, जैसे मैं सबको बोलती थी, मुझसे पूछते थे बच्चों से, जैसे पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं. कोई कहता था मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. एंड आई वाज ओनली वन हु यूज्ड टू से कि मैं श्रीदेवी बनना चाहती हूँ. मेरे फादर और मेरे मामा जी तो बहुत खुश होते थे, पर मम्मी कहती थी तुम पढ़ाई करो, तुम क्या फालतू की चीज़ें करते हो. बट मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं बचपन से ही बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ. तरह तरह की कलाकारी और एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत पसंद थे, और किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि मैं आई जब मुंबई अपना लॉ ख़त्म करके, मैं लॉ स्टडीज़ कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में, वहीं से ही मुझे ऑफ़र्स आने लगे. सबसे पहले मुझे शेक्सपियर ग्रुप से ऑफ़र आया, और उसमें 500 में से मुझे ही चुना गया था. पोर्शिया द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो किरदार मैंने निभाया. उसके बाद मैं जब मुंबई आई, तो मुंबई में मुझे सडनली ऑफ़र्स आने लगे फिल्म्स के, और आई गो फॉर द स्क्रिप्ट. मैं ज़्यादा कास्ट पे भी ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि हर सितारे की किस्मत हर शुक्रवार बदलती है. तो ऐसा ही सोचकर मैं आगे बढ़ती हूँ. जो स्क्रिप्ट मेरे दिल को छू जाए, मुझे लगता है मुझे उस पर काम करना चाहिए. क्योंकि हम सब जानते हैं फिल्म जो होती है, लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, लोग सोचते हैं कि ये बड़ी फिल्म है, ये छोटी फिल्म है. फिल्म कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती, फिल्म अच्छी या बुरी होती है. तो अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट पसंद आती है, मैं उसको ज़रूर करना चाहती हूँ, और मैं करती हूँ. अभी जैसे ये फिल्म है आई एम नॉट अ प्लेयर, ये भी काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट लगी, क्योंकि इसमें रियल किक बॉक्सिंग प्लेयर ही इज़ प्लेइंग द लीड. तो ये काफ़ी दिलचस्प सा सब्जेक्ट है, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, और उसमें मैं लीड एक्ट्रेस का रोल निभा रही हूँ. तो हाउ यू बीन एंजॉयिंग दैट पैशन? कितना बड़ा चैलेंज था फर्स्ट ब्रेक मिलना, और कैसे मिला वो अनुभव को शेयर कीजिए किस तरह से आपको? इट्स नेवर बीन अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज चैलेंजेस उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने काम को परिश्रम समझते हैं, और मैं अपने ही काम को अपना एक शौक समझती हूँ. क्योंकि जब हम परिश्रम करते हैं तो हमारे ऊपर वो एक जॉब की तरह आ जाता है कि दिस इज़ योर जॉब, यू हैव टू डू इट. बट व्हेन आई वर्क आई टेक इट एज फन, क्योंकि मैं उस किरदार में घुसती हूँ. मेरे मामा जी भरत उपमन्यु जी बहुत उम्दा लेवल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे समझाया है शुरू से, अपने काम को इस कदर इन्जॉय करो कि उसे तुम समझो ही मत. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पागल लड़की का किरदार निभा रही थी, तो मैं पागल ही थी उस वक्त. द लास्ट टेल ऑफ कायनात में मेरे ही पिताजी मेरे बॉयफ्रेंड के पापा बने हैं, वो भी बड़ा इन्जॉयिंग कैरेक्टर था. अपने ही पिता को दूसरे के फादर के रूप में इन्जॉय करना, दिस इज़ हाउ आई एन्जॉय माई वर्क. सो इट्स नॉट अ चैलेंज फॉर मी, इट्स ऑलवेज समथिंग आई एक्सेप्ट, आई वेलकम, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड. लेकिन अभी बॉलीवुड में ये जो विषय है कि यू नो जो फिल्मी परिवार होते हैं उनके लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है, वो लोग स्टैब्लिश हो पाते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब तक आपके अंदर काबिलियत नहीं है, ये बहुत ही ऐसा सवाल है जिस पे मैं वाकई में कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहूँगी. अगर मिस्टर भट्ट की डॉटर आ रही है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो मिस्टर भट्ट की डॉटर है? इसलिए नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है. आप सिर्फ प्रोड्यूसर जो होते हैं वो एक फिल्म बना सकते हैं, पर पूरी जनता का दिल जीतना वो एक आर्टिस्ट के ऊपर है. ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं, दे आर नॉट इवन स्टार सन्स और डॉटर्स, बट स्टिल दे आर प्रोसीडिंग एज कंगना रनौत. एवरीवन
यू नो इट्स लाइक ये बहुत ही आई मीन इट्स एन एक्सक्यूज कि अगर हमें कुछ मिलता नहीं है तो हम ये कह देते हैं कि स्टार सन्स एंड स्टार डॉटर्स दे आर सक्सीडिंग. नो, अगर ऐसी बात होती तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जनता ने जिन्हें सराहाया भी है और जनता ने जिसे एक्सेप्ट भी नहीं किया है. तो जनता का दिल तो कोई ऐसे एक्सेप्ट नहीं जीत सकता ना कि आप एक किरदार हैं, आपके माता पिता बहुत बड़े स्टार हैं, इसीलिए नो वन इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. हर एक की किस्मत जो होती है वो उसकी काबिलियत से बनती है. और अगर आपके अंदर काबिलियत है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टार सन हैं, स्टार डॉटर हैं, उनका अपना एक हार्डवर्क से ज़्यादा उनकी काबिलियत है. ठीक है, शायद उन्हें औरों की तरह स्ट्रगल ना करना पड़े, औरों की तरह उन्हें 10 ऑडिशंस देने ना जाना पड़े, पर उनके अंदर वो काबिलियत है जो उन्हें आगे लेकर जा रही है. तो ये इस मिथ में तो मैं बिल्कुल नहीं रहती कि फलाना स्टार सन है, फलाना स्टार डॉटर है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं. नहीं, उनकी अपनी काबिलियत है, उनकी अपनी पर्सनालिटी है, जनता उसको अपना रही है. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक फिल्म एक फाइनेंसर खरीदता है या बनाता है, पर पूरी जनता का दिल सिर्फ हम इसलिए नहीं जीत सकते कि वो उनके डैडी बहुत बड़े स्टार थे इसलिए वो आगे बढ़े. नहीं, इट्स ऑल देयर एफर्ट्स, देयर टैलेंट व्हिच इज टेकिंग देम हायर. इवन अगर मतलब प्रोजेक्ट है संस्कृति फर्स्ट रीडिंग मूवी है, वो क्या हम चाहेंगे वो प्रोजेक्ट के बारे में किस तरह का अनुभव था और कितना ज़्यादा यू नो वो पर्सन ना आपके लिए आगे फायदेमंद होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मेरा ये सौभाग्य है कि वर्ल्ड की फर्स्ट 3D संस्कृत फिल्म मुझे ईश्वर की कृपा से मिली है. मेरे डायरेक्टर मिस्टर पीके अशोकन, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास किया कि उन्होंने फिल्म पूरी मेरे कंधे पर चलानी चाहिए और उसमें मेरे साथ बहुत बड़े पद्मश्री अवार्ड विनर आर्टिस्ट हैं जो कि उम्र में बड़े हैं. और मैं ये नहीं कहूँगी कोई बड़ा या छोटा होता है, हर आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, पर उनका एक आशीर्वाद, उनका खुद का फिल्म में होना बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य था. और मैं फ्यूचर जैसे कि प्लान नहीं करती हूँ, ये फिल्म मुझे कैसे फ़ायदे देगी ये मुझे नहीं पता है, बट इस फिल्म की न्यूज़पेपर में आना, इस फिल्म की न्यूज़ एंड ऑल, ये फिल्म इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े न्यूज़पेपर में, जहाँ पे कोई भी न्यूज़ पेड नहीं होती, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसके हेडलाइन में फ्रंट पेज पर आना, मेरे पिक्चर और मेरे नाम के साथ आना, इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. क्योंकि आई वॉज़ नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट, दो आई वॉज़ प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर माई मूवी. तो मैंने अपना किरदार उम्दा तरीके से निभाने की कोशिश करी, बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं बहुत ही चुलबुली काइंड ऑफ गर्ल आई एम, और वहाँ पे एकदम गंभीर तरीके का रोल. इसलिए मैंने आपको कहा ना कि मैं ड्रामेबाज हूँ, आई लव टू प्ले रोल्स. ये भी कहना चाहूँगा कि मॉडिफाई क्या पर्सोना को साउथ में भी आप प्रोजेक्ट करने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो मॉडिफाई क्या किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या वो प्ले करने वाली हैं, कितनी एक्साइटेड हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, साउथ में ये मेरी दूसरी फिल्म होगी जिसमें कि मैंने मेन लीड साइन किया है. और साउथ का जो प्रोजेक्ट है वो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि डायरेक्टर भी काफ़ी उनका नाम है, उनके साथ काम करना, अगेन इट्स अ गुड लक फॉर मी. और मॉडिफाई तो ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिस्ट एक पानी की तरह होता है, जिसको आप जिस सांचे में डालेंगे वो वैसा ही बन जाएगा. अगर आप मुझे साड़ी पहनाएंगे तो मेरे ऊपर वही लुक आएगा, अभी अगर आप मुझे ग्लैमरस ड्रेस पहनाएंगे तो मेरे अंदर ग्लैमर का लुक आएगा. तो यही कहना चाहूँगी. तो ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जो सक्सेस आपको मिला, अभी तक जो भी सक्सेस है, किस किस को आप धन्यवाद कहना चाहेंगे, यू नो, जो कि आपको इतना सक्सेस मिला है और नेम देना एक्चुअली बिल्कुल. तब तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी क्योंकि मेरे जीवन में एक एक इंसान ने अहम भूमिका निभाई है. सबसे पहले लाइव गॉड माय पेरेंट्स, कि उनका सबसे बड़ा योगदान है, मेरे गुरुजी, मेरा भाई, मेरे मामा जी मिस्टर भरत उपमन्यु, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में, और मेरे सबसे पहले डायरेक्टर मिस्टर इकबाल बख्श जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया. एक फिल्म जब बनती है, एक आर्टिस्ट पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है. और मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरी
अनदर फिल्म अमित झा जी मेरे डायरेक्टर, फिर उसके बाद पी के अशोकन जी मेरे डायरेक्टर अगेन फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D संस्कृत फिल्म, एंड नाउ मिस्टर चांद जी ने मेरे लिए काफ़ी अच्छे तरीके से इस रोल को बनाया है इस फिल्म में, जो कि रियल लाइफ किकबॉक्सिंग चैम्पियन, ही इज़ गोल्ड मेडलिस्ट, उनके साथ एज अ लीड एक्ट्रेस मुझे चुना है, क्योंकि वो आप जानते हैं जितने भी हमारे देश के लिए कुछ कर रहे होते हैं वो ग्लैमर की इंडस्ट्री से बहुत दूर होते हैं, और चांद जी ने काफ़ी अच्छे इंसान को, अच्छी पर्सनालिटी को, इट्स लाइक कहते हैं ना कि डायमंड ढूंढते हैं, ऐसे ही उनको ढूंढा है. सो आई एम थैंकफुल टू चांद जी एज़ वेल कि मुझे इस फिल्म में उन्होंने एज अ लीड, अगेन ही हैज़ टेकन मी एज अ लीड इन दिस फिल्म. उसके अलावा ऐसे कितने लोग हैं, आपने कैसा सवाल कर दिया है, मैं कितने लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ. और सबसे पहले मुझे प्रेरणा जिससे मिली थी, जिसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, दैट्स माई चाइल्ड हुड स्वीट हार्ट. आज मैं जो भी हूँ उसकी वजह से हूँ, और मेरे गुरुजी ने मेरा हमेशा साथ दिया है. मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं इस लेवल पे हूँ. एंड यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय चाइल्डहुड स्वीटहार्ट रोहित, जिसने, वो आज इस दुनिया में नहीं है, बट उसकी इच्छा थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूँ. मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी. एयर हॉस्टेस बनने के लिए तो उसने कहा था तुम एयर हॉस्टेस नहीं बनोगी, तुम एक फिल्म एक्ट्रेस बनोगी. मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट आज उसी का आशीर्वाद बोलिए, उसी की ब्लेसिंग्स बोलिए, जो कि आज मैं एक एक्ट्रेस हूँ. फिर मैं बचपन से, मेरी एक सिस्टर हैं पूजा, उन्हें काफ़ी एडमायर करती हूँ, क्योंकि हम दोनों की ही फेवरेट श्रीदेवी जी थी, और दोनों की फेवरेट फिल्म भी लम्हे थी. मेरी सिस्टर भी काफ़ी खूबसूरत थी, उन्हें खूबसूरत हैं, वो सही सलामत हैं बाय गॉड्स ग्रेस, और उन्होंने तो अपने किरदार, अपनी फैमिली लाइफ को पूरी अपनी लाइफ समर्पित कर दी है. शी इज़ वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर लाइफ, हर फैमिली लाइफ, एंड मेरा रुख बदल गया. आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई वर्क, मैं वहाँ यहाँ पर किरदार निभा रही हूँ. That's it. और काफ़ी लोग हैं. अगेन मैं हर उस इंसान की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे हर सीढ़ी पर, क्योंकि ईश्वर जब हमारे लिए कुछ डिसाइड करता है तो वो हर सीढ़ी पर हमारा एक सहारा अपने रूप में भेजता है. तो ऐसे कितने लोग हैं, और मेरे दोस्त, मेरे मेंटर इकबाल, जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी कुछ सोचा, काफ़ी कुछ किया, जो कि हमेशा से मुझे कहते थे वर्क हार्ड, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू. सो अगेन देर आर लॉट ऑफ पीपल, जो कि मैं शायद, ये इंटरव्यू बहुत छोटा पड़ जाएगा, समय सारणी बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर मैं एक एक का नाम लूँगी. हाँ, इस जर्नी में काफ़ी कड़वे अनुभव भी हैं. काफ़ी लोग मेरी ज़िंदगी में आए जिन्होंने मेरी मदद करी. अगेन आई वुड से माई फ्रेंड्स, देर आर मैनी फ्रेंड्स, एंड येस आई विल नॉट कॉल देम माई फोर्स, बट माई एक्सपीरियंस पीपल आई हैव मेट हु हैव टॉट मी दिस फेलियर for success. So I have faced failure for success, and again thankful to some people, and one of them is my experience, and lot of people are involved in this. So I think time bahut chota reh jayega aur logo ki list badhti chali jayegi, and my PR Himanshu is also helping me a lot, jo ki mujhe kafi support karta hai. Again Sarthak is there, Abdullah is there, lot of people, like, you know, big names. Again my, you know, log bahut rishte is duniya mein banate hain, to mere to aap dekhenge mere bhai itne hain, meri behne itni hain. Again I would say I'm इंडियन, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मेरी कहानी कुछ ऐसी है, और जी हाँ, मेरा एक मैसेज मेरे जो कि माता पिता हैं, नॉट जन्म से बट मेरे साथ जो चल रहे कर्म से, उनके लिए भी, सुनीता मम्मी एंड लब्बे पापा. सो जी हाँ, काफ़ी लोग हैं जिनकी मैं शुक्रगुजार हूँ. मेरे अगेन भवानी पिताजी, मतलब मैं किन किन के नाम याद करूं, क्योंकि एवरीवन इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, एंड
By God's grace, God has always sent angels to me. I would not say an angel, lot of angels for me. And it's like a fairy tale for me. One hard work or you know talent factor to matter karta hai talent industry establishment ke liye. Lekin beauty factor bhi hai kafi maine lagta hai. Zyadatar actress jo hain khoobsurat nahi hai lekin zyadatar makeup karke bhi na beauty aap naturally beautifulness to wo kitna bada USP hai aapke sabse. Again I'll say हर इंसान खूबसूरत है. अगर ईश्वर ने हमें सही सलामत रखा है, हमारी आंखें सलामत है, हमारे हाथ सलामत है, हमारी नाक सलामत है, हमें इन चीज़ों से नवाजा है, तो हम सभी खूबसूरत है. एवरी वन इज़ ब्यूटिफुल इन हिज ओन वे. और जो शक्ल होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, वो ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है. और जी हाँ, मैं सबको ये एडवाइस करूँगी, स्टे केमिकल फ्री. क्योंकि जितना हम केमिकल से दूर रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे. अगेन आपने जो सवाल किया था वो यहाँ पे आ गया. आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर टाटा हु इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी, जिन्होंने मुझे आयुर्वेद से जोड़ा हुआ है. हमारे देश की ये बहुत बड़ी हमारे पुराने ऋषि मुनियों की रचना है आयुर्वेद. तो आयुर्वेद जो है, आई ट्राई टू स्टे नेचुरल और आयुर्वेदिक चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ. इनफैक्ट उन्हीं को मैं ग्रहण करती हूँ और योगा करती हूँ. और दूसरी बात ये होती है, ब्यूटी इज़ समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन. आप जितने गोरे हों, अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो वो चीज़ आपके चेहरे पे झलकेगी. और अगर आपके विचार अच्छे हैं तो कॉम्प्लेक्शन डजंट मैटर. कॉम्प्लेक्शन इज़ समथिंग वो ऊपर वाले की देन है. पर हमारे जो विचार हैं वो ईश्वर ने हमारे हाथ में दिए हैं. अगर आप अपनी आत्मा से खूबसूरत हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके चेहरे पे आएगा. बिकॉज चेहरा जो होता है वो हमारे मन का दर्पण होता है. सो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव. और पॉजिटिविटी है, आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव. आई विल नॉट से आई एम अ परफेक्ट ह्यूमन बींग, बट यस आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड आई ट्राई टू स्टे ग्राउंडेड. दैट्स व्हाट. और भी पैशन है, राइटिंग है, सिंगिंग है, उसके बताइए कि एक्टिंग के अलावा और क्या पैशन है और कितना ज़्यादा परस्यू करने का टाइम मिलता है और क्या करते हैं उसका. मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है. जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, जिन्होंने अहम किरदार निभाए हैं. तो मैं लिख रही हूँ अपने ही ऊपर, अपनी ही लाइफ एक्सपीरियंसेस पे. तो मुझे अच्छा लग रहा है और लिखना मुझे पसंद है. मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है. तो मतलब वही एक्सपीरियंसेस मैं अपनी डायरी में लिखती जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ वो एक किताब बन जाए और वो पब्लिश भी हो, लोगों तक पहुँचे वो चीज़ें. और सोशल वर्क मुझे बहुत पसंद है. नॉट दैट कि मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, बट ये चीज़ें ऐसी होती है कि आपने एक हाथ से किया तो दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए. अपने लिए जीना बहुत आसान होता है, बट जब आप एक छोटा सा नॉट फेवर, छोटा सा भी कुछ अपना कर्तव्य ह्यूमैनिटी की तरफ सर्व करते हैं ना, तो जो उन ह्यूमंस के चेहरे पे मुस्कान होती है, वो दुआएं हमें उनकी, वो चेहरे की मुस्कान, वो दुआएं दे या ना दे, पर वो हमारा कर्तव्य और वो कर्म होता है जो हमें आगे लेकर जाता है. लास्ट दो क्वेश्चन ये पूछूंगा कि एक तो एक इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें तो कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं, लिंक्स अप होते हैं, ये सब काफ़ी मायने रखते हैं. क्योंकि यू नो यू हैव टू बी न्यूज, आई मीन आप न्यूज़ पेपर्स हो या मतलब न्यूज चैनल्स हो, सबको ये लगता है कि वो हमेशा एक न्यूज़ में बने रहे ताकि उनको वर्क मिल सके. आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि कॉन्ट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट होता है करियर के हिसाब से या लिंकअप इंपॉर्टेंट होता है? वेल, जैसा कि मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पिताजी, मेरे मामा जी, उन्होंने मुझे जो सीख दी है मैं उसी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ. ना तो कंट्रोवर्सी, ना लिंक. कंट्रोवर्सी से हम एक नेगेटिव फेम पाते हैं. और लिंकअप जो होते हैं, जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है, कौन से आपके ऐसे जानने वाले प्रोड्यूसर होंगे या डायरेक्टर होंगे जो अपना करियर रिस्क पे या स्टेक पे रख देंगे. आई थिंक हमारा जो टैलेंट है, टैलेंट के साथ साथ ईश्वर ने जो हम पर कृपा दी है, अगर हमारे इफ इट्स देयर इन योर डेस्टिनी यू विल गेट इट. डोंट रन बिहाइंड द वर्क, रन बिहाइंड योर टैलेंट. आप अपने टैलेंट को इस कदर निखारिए कि लोग आपको निहारते रह जाएं और आप पब्लिक के दिल में वो जगह बना पाएं. And lastly, I think, you know, being a girl, बहुत important होता है marriage होता है. तो what kind of person you want to marry and what qualities you want the person to have? किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए? Well, right now marriage is not in the card, but yes, I would love to marry a person who will have values in life.
आई विल नॉट गो फॉर अ रिच गाय और समथिंग, आई विल गो फॉर द पर्सन जो मेरी इज्जत करे. बिकॉज टू गेट मैरिड व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज रिस्पेक्ट, लव एंड ट्रस्ट. प्यार के सिर्फ तीन ही पिलर्स होते हैं, फर्स्ट इज लव, सेकेंड इज ट्रस्ट एंड थर्ड इज योर यू नो सपोर्ट टूवर्ड्स ईच अदर. सो अगर ये तीनों पिलर पे आप स्टैंड करते हैं, आपको ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए. बिकॉज अ रिच गाय कैन गेट यू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मुझे एसी लाके दे सकता है, बट अगर एक ऐसा इंसान होगा जिसके साथ शायद मुझे हाथों में हाथ डाल के घूमना पसंद हो, तो उसके साथ मुझे वो जो समुंदर की लहरों की जो हवा होती है वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी. सो आई बिलीव आई विल मैरी अ पर्सन हु विल बी गुड बाय हार्ट, और जिसके साथ ऑफकोर्स इतना काबिल हो कि जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून पा सकूँ, सुख के साधन से ज़्यादा सुकून पा सकूँ. दैट्स व्हाट आई विल से. बेनिफिशियरी और लोगों को क्या कैसे प्रेरणा देना चाहेंगे, और जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया उनके बारे में बताइए कि किस तरह से आपको हेल्प आउट किया. आयुर्वेद तो हम सब जानते हैं एक हमारे जो देश की संस्कृति है, और आयुर्वेद के लिए मैं सबसे बड़ा योगदान आज की डेट में, आज के युग में जिनसे मैं मिली हूँ, डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा, उनके बारे में ज़रूर बोलूँगी. वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आयुर्वेद को समर्पित करी है, और उनकी दवाइयों का वो असर है कि मतलब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत मतलब जिनका नाम है, वो सब आते हैं उनके पास, और ऐसा होता है कि मतलब कहते हैं ना कि उनके हाथ में कोई शिफा है, कोई वरदान है, कि वो जिनका भी इलाज करते हैं वो ठीक हो जाते हैं. जैसे अभी हाल ही में उन्होंने क्रिकेट प्लेयर सनत जयसूर्या जी का इलाज किया, कहीं पे उनको ठीक नहीं हो पा रहे थे, और जैसे ही डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा जी ने उनका इलाज किया वो ठीक हो गए. ऐसे ही मुझे अभी बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने मेरे बोन में इंजरी थी, तो उन्होंने मुझे दवाई दी. मैंने काफ़ी सोचा था अब तो पता नहीं क्या होगा मेरा, बट उनकी दवाइयों से, ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो उनका काफ़ी बड़ा योगदान है. मतलब आज की डेट में आयुर्वेद जो कि रियल जड़ी बूटियाँ, जो कि वो जंगल से लेके आते हैं, उस टाइप की जड़ी बूटियों की मैं आपसे बात कर रही हूँ. ये जो फिल्म आ रही है अपनी प्रोजेक्ट आ रही है, आई एम नॉट अ प्लेयर स्पोर्ट्स राइट फिल्म है, और ये भी कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स राइट फिल्म आ रहे हैं, गोल्ड आ रही है, हॉकी प्लेयर पे सुरमा आ रही है, तो ये कितना पॉजिटिव स्टेप है, और क्या कहना चाहेंगे कितना बड़ा आपके लिए वो इतना इंस्पायरिंग पॉइंट होगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को आप पढ़ते थे, क्या इंस्पायर करेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन को पढ़ते थे, वो चीज़ कितनी बड़ी बात करते हैं. ये एक बहुत ही यूनिक बात है मेरे डायरेक्टर की, मिस्टर चांद मेहता, जो कि मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि लाइफ किसी और की होती, बायोपिक किसी और की होती, और उस किरदार को निभा कोई और देते हैं. उनका ये आइडिया था कि क्यों ना हम उस इंसान को सामने लाए जो रियल लाइफ हीरो हैं, जिन्होंने मतलब असली में हमारे देश के लिए किकबॉक्सिंग करते आ रहे हैं, और उनको पर्दे पर लाना चाहिए. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एंड अ यूनिक आइडिया. पर्सनैलिटी से भी वो ठीक हैं, और तो चांद मेहता जी ऐसे हीरे ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. क्या कहना चाहेंगे, सुनने में आया है कि जो लास्ट शॉट होगा वो हिसार में, जहाँ पे वो फिल्म बेस्ड है, वो तो उस रियलिटी को बताइए, वो कितना ज़्यादा यूनिक पॉइंट है फिल्म के बारे में. देखिए, ये चांद जी की इस चीज़ को मैं इतना सराहती हूँ कि अभी तक क्या होता है, न्यूज़ भी नहीं आती, ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनमें से चांद जी ने दो लोगों को ढूंढा है, जैसे कि एक भिवानी में है किकबॉक्सिंग प्लेयर, और एक ऐसे ही कहते हैं ये गुमनाम सितारे होते हैं जो हमारे देश के लिए इतना कर जाते हैं पर उनका नाम नहीं हो पाता, तो इन गुमनाम सितारों को यहाँ नाम दिया जाएगा. जैसे कि एक जम्मू एंड कश्मीर के किक बॉक्सिंग प्लेयर है जिन्होंने इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, मिस्टर गुल आलमगीर, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है. तो हम चाहते हैं कि मेडल इस फिल्म में जब वो लड़का जीतता है तो इन्हीं के हाथों से उसे सम्मानित किया जाए, तो इसके साथ साथ फिल्म का भी सम्मान है और हमारे रियल लाइफ हीरोज का भी सम्मान है. तो ये जो फिल्म है इसमें रोल प्ले कर रही है, तो रियलिस्टिक करने के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर रही है अपने किरदार को रियलिस्टिक बनाने के लिए, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेट करने वाले हैं फिल्म में, तो क्या कहना चाहेंगे कि उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या प्रिपरेशन. इसका तो जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि मैं जिस रोल को करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं उसी रोल को जीऊँ, मैं उसकी ज़िंदगी जीना शुरू कर दूँ. इफ़ आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन्स गर्लफ्रेंड, सो आई टेक माई सेल्फ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन्स गर्लफ्रेंड, तो एंड आई बिलीव इन नेचुरल एक्ट,
रादर देन एनी अदर लाइक यू नो किसी और को अडेप्ट करना, तो उसमें इंसान कई बार डिप्रेशन में चला जाता है कि आप उस रोल को इस कदर पागलों की तरह ले रहे हैं. नहीं, जस्ट डू इट, दैट्स इट, फील इट एंड डू इट. वेलकम.